तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी थर्ड क्लास है। और थर्ड क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कोड कंसेप्ट के बारे में, कोड क्या है। तो वन बाय वन हम समझाएंगे कि किसी माइक्रो का कोड कैसे परफॉर्म करता है। Yeah, yesterday we were talking about those four things, right? Application, module, ऐसा कुछ। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं, एग्जैक्ट भूल गए क्या? Application, module और एक और दो क्या है मॉड्यूल? वो? नहीं, मॉड्यूल तो अलग चीज हो गया। मॉड्यूल जो हो गया वो तो जहाँ माइक्रो लिखेंगे, कल की क्लास की प्रैक्टिस लग रहा है, भूल गए बारे सारी चीजें। मैं अच्छे रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया मॉड्यूल्स। हम कोई भी कोडिंग मॉड्यूल में करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे और कोई भी प्रोग्रामिंग को मॉड्यूल्स में लिखेंगे, और कोई भी माइक्रो को हम सबसे स्टार्ट करेंगे। पब्लिक सब या सब, जनरली सभी लिखते हैं। माइक्रो का नाम लिखेंगे, जो भी माइक्रो नेम देना है। माइक्रो नेम में किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं देंगे, लाइक स्पेस, कॉमा, डॉट, डैश वगैरह वगैरह। उसके बाद हम यहाँ पे हमें बात कर रहे थे कि जब भी हम कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज मान लीजिए, तो हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सेंटेंस बोलते हैं, उसमें पहला वर्ड जो होता है वो जनरली नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर ग्रामर की बात करें, अपने स्कूल लाइफ में ग्रामर याद करें, तो नाउन या प्रोनाउन होता है किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर। तो यहाँ इसमें एक्सेल के अंदर में भी, हमारे जो बीवीए के अंदर भी चार मेन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जिससे हम मोस्टली लाइन ऑफ कोड स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा एप्लीकेशन, दूसरा है हमारा वर्क बुक्स, तीसरा है हमारा शीट्स, और चौथा है हमारा रेंज। तो हमारा कोड ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब कोड लिखने का तरीका है क्या है, समझ जाइए। जैसे मुझे कोड लिखना है एक नई वर्कबुक को ऐड करने के लिए, मैं चाहता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ फाइल में जाते हैं और न्यू पे जाते हैं और ब्लैंक वर्कबुक क्लिक करके एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं, या फिर कंट्रोल एन शॉर्टकट प्रेस करते हैं, तो वीवीए के थ्रू मैं नया वर्कबुक कैसे क्रिएट करूँ? तो उसके लिए यहाँ यूज करेंगे वर्क बुक्स डॉट ऐड, वर्कबुक्स डॉट ऐड। अब मैं इस माइक्रो को रन अगर करता हूं, मैं रन यहां से भी कर सकता हूं, दिख रहा है आपको, या F5 से भी रन कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट होता है, या रन आप यहां से भी कर सकते हैं। तो यहां से जब यूज करते हैं तब रन करते हैं, बट जब कोडिंग लिखते समय टेस्ट करने के लिए हम यहीं से माइक्रो को रन करते हैं। जैसे माइक्रो को हमने रन किया, एक नई वर्कबुक आपका क्रिएट हो गया। ओके, तो रन होगी। अब यहां पे बात होती है कि जो वर्कबुक ऐड हुई है उसको सेव करना है। हालांकि सेव करने का कोड होता है, या किसी भी तरह का कोड लिखने का कोड होता है, कि पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हमें वर्कबुक को सेव करना है, तो वर्कबुक्स यहां पे ऑब्जेक्ट की डिटेल, यहां पे ऑब्जेक्ट की डिटेल, जैसे कि कौन से फाइल को सेव करना है, तो यहां पे book1.xlsm या जो भी है एक्सटेंशन आपका, और डॉट यहां पे हम डालेंगे सेव एज, और यहां पे फाइल का पाथ और नेम एक साथ डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एफ ड्राइव के अंदर में 2020 के अंदर में 123.xlsx के नाम से सेव करना है, बट इसको इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। कोई भी लोकेशन, फाइल नेम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में दिया जाता है, क्योंकि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में जाता है। मतलब कि दिस इज नॉट ए कोड, ये एक टेक्स्ट है जो कि हम अपने हिसाब से डालते हैं। तो कोड लिखने का जो तरीका है ये है, ऑब्जेक्ट के किस ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट पे क्या करना है और कहाँ करना है। हम नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो लोकेशन, लोकेशन डिटेल, एक्शन
एक्शन डिटेल, ये हमें देना होता है। तो कोड ऐसे ही लिखा जाता है VBA के अंदर में, एक एक काम के लिए, मतलब एक एक्शन के लिए, एक माउस मूवमेंट के लिए हमेशा हम एक ही लाइन लिखते हैं, क्योंकि पर लाइन प्रोग्रामिंग होती है। अब मान लीजिए कि मुझे वर्कबुक, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें सिचुएशन भी देखना होता है। अब इस कोड के लिए हमेशा हमें फाइल नेम पता होना चाहिए, बट मान लीजिए कि हमें जो फाइल ऐड किया है, इस ऐड की गई फाइल को सेव एज करना है। अब जब फाइल ऐड होती है तो उसकी गारंटी नहीं है कि उसका नेम क्या होगा, उसका नेम क्या होगा, इसकी गारंटी नहीं। तो यहां पे दिक्कत होगी, कोड वर्क नहीं करेगा। तो सिचुएशन है, जैसे अभी देखा था, जब मैं कोड रन किया था, तो जब भी मैं नई फाइल ऐड करता हूं वो मेरा एक्टिवेट होता है। तो वर्कबुक का एक सब नेम एक्टिव वर्कबुक भी होता है। तो वर्कबुक का यूज कब करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर फाइल पे काम करना हो। एक्टिव वर्कबुक क्या करते हैं कि हमें किसी फाइल से मतलब नहीं है, जो एक्टिवेट है, जैसे यहाँ पे एक्टिवेट है हमारा, उस बुक वन एक्टिवेट है तो बुक वन को सेव करें, जो एक्टिवेट होगा उस पे परफॉर्म करेगा। ओके तो यहां हम लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक और डॉट, बाकी जो चीजें होती है वो सेम होती है, सीसी को कॉपी करके रख दीजिए। अब मान लीजिए कि मुझे इस कोड को डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे, बट मुझे कोड को रखना है बट परफॉर्म नहीं करवाना है, बट मुझे इसको रखना है, तो इसमें सिंगल कोड लगा दीजिए, एक कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि ये लाइन डेड हो जाएगी, जस्ट आपके नॉलेज के लिए रहेगी बट कोई परफॉर्मेंस नहीं करेगी। अब मैं इस मैक्रो को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि एक फाइल ऐड होगी, जो फाइल ऐड हुई है वही सेव एज हो जाएगी इस लोकेशन में, इस नाम से और इस एक्सटेंशन से। तो फाइल को क्रिएट करना और सेव एज करना समझ में आ गया श्रीनिवास जी? श्रीनिवास जी समझ में आ गया? किरण जी आपको, करण जी आपको आया? हेलो करण जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही है, सब आ गया। ओके चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक और आती है, एक तो आपने देखा कि सिचुएशन, हम कोड जो है, जैसे हम बातचीत जब करते हैं तो वर्ड को सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बदल जाता है, चाहे उसका यूज बदल जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बहुत सारे ऐसे वर्ड है, वी वेन, सिचुएशन के हिसाब से हम वी यूज करते हैं, वेन यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब ग्रामिकल पार्ट है। तो यहां भी आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को या अपने कोड को चेंज करना पड़ता है कि कैसे वर्क फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि मुझे एक वर्कबुक ऐड करके सेव करना है, तो फिर एक्टिव वर्कबुक करके दो लाइनों में कोड लिखने की क्या जरूरत है, आप यहीं पे जो है डॉट सेव एज लगाइए और यहां पे अपना पाथ और बाकी जो चीजें हैं वो चीजें दे दीजिए, राइट? डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा देखिए, अभी मैं जस्ट कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इसको रन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या चीज़ के लिए क्या कोड होता है, कैसे लिखा जाता है, ये समझा रहा हूँ। तो हमने वर्कबुक को
क्रिएट करना और सेव एज करना सीख लिया। अब बात होती है कि किसी फाइल को ओपन करना, क्योंकि हर बार हम अपनी वर्कबुक को क्रिएट नहीं करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल भी होती है, उसको हम ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ओपन। अब यहाँ पे हम अपना पाथ दे देंगे कि हमें कहाँ से ओपन करना है। तो ये आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने ऑब्जेक्ट की डिटेल डाली, बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट की डिटेल नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिटेल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें आउटसाइड से कॉल कर रहे हैं, मतलब कि हम उस फाइल को ओपन कर रहे हैं जो किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो आपको डिटेल उसी का देना है जो लाइब्रेरी में, मतलब कि वो ओपन है तो लाइब्रेरी में है, तभी आप उसका डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो वर्कबुक डॉट ओपन कर दिया, ओपन हो गया। अब यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि जैसे मैं यहाँ पे स्पेस मारता हूँ नीचे एक्सप्रेशन आ जाता है, यहाँ भी देखा आपने, मैंने यहाँ किया तो यहाँ भी एक्सप्रेशन आ गया। तो इसके बारे में सोचिए, जैसे हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं ना, जैसे इफ करते हैं, तो यहाँ जो इनपुट्स होते हैं तो यही आपके कोड के भी इनपुट्स हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिटेल एक ही चाहिए, कई सारे डिटेल चाहिए। तो यहाँ भी देखिए जो बड़ी ब्रैकेट में है ए और सॉरी, एक तो आपका नॉर्मल है, दूसरा आपका स्क्वायर ब्रैकेट में है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो आपका ऑप्शनल है, मतलब कि मैं लॉजिकल टेस्ट दिए बगैर फॉर्मूला से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन जब मैं लॉजिकल टेस्ट अगर दे देता हूँ तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, रिजल्ट डिफॉल्ट आएगा, अब डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ भी ए फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, मतलब कि ये रिक्वायर्ड है। अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन नहीं डालूंगा तो मेरा एक कोड रन नहीं करेगा, एरर देगा, जैसे कि अभी फॉर्मूला में दिया था। लेकिन बाकी जो डिटेल्स है वो ऑप्शनल है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा फाइल जो है प्रोटेक्टेड है, मुझे इस पर पासवर्ड डालना है ओपन करते समय, तो मुझे पासवर्ड कैसे डालूं? तो अभी आप देख रहे हैं आपका बोल्ड कौन सा है, फाइल एज ए स्ट्रिंग बोल्ड है। जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा अपडेट लिंक आपका बोल्ड हो जाएगा, तो मुझे ये सब नहीं डालनी है, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ और सीधे पासवर्ड, जैसे ही मेरा बोल्ड होगा अब मैं जो भी पासवर्ड डालूंगा तो इस वाले सेक्शन में जाएगा और फाइल ओपनिंग करते समय ये पासवर्ड एंटर कर देगा। सेम इसी तरह आप सेव एज करते समय भी आप देखिए फाइल, अब यहाँ पे एक चीज सवाल पूछने वाली बात आती है कि यहाँ आपका फाइल नेम भी स्क्वायर ब्रैकेट में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फाइल को बिना नाम लोकेशन के कैसे सेव कर देंगे? तो आपकी डिफॉल्ट फाइल नेम, एक फाइल में ऑलरेडी डिफॉल्ट नेम होता है यहाँ बुक वन, तो बुक वन के नाम से सेव हो जाएगा और आपके पास ऑपरेशन में एक इसका डिफॉल्ट पाथ सेट होता है, इसको देखने के लिए आप सेव पे यहाँ देख सकते हैं, तो इस लोकेशन में डिफॉल्ट सेव हो जाएगा। डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे इसमें यहाँ पे डालना है पासवर्ड, तो मैं कॉमा किया स्किप करके यहाँ पासवर्ड डाल दिया, तो फाइल सेव करते समय वो पासवर्ड भी सेट कर देगा। समझ में आ गया ये जो ऑप्शनल रिक्वायर वाले सिस्टम, समझ में आई? जी जी आपको श्रीनिवास जी, यस So this should not be in the double quotes, that one up to 1, 2, 3, the whole thing should be in double quotes or just only नहीं, the file name? नंबर जो है वो इन डबल कोट में रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टेक्स्ट को रखना है। अच्छा, वैसे सो छोड़ दे सकते हैं अपन। हाँ, जैसे मान लीजिए कि @123@sbi हमें करना है, राइट? अभी टेक्स्ट हो गया तो इसको डबल कोट में रखना पड़ेगा। ओके, तो टेक्स्ट है या नंबर के साथ टेक्स्ट है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में। अब सिर्फ इसी ओपन या सेव एज के लिए नहीं, कहीं भी VBA के अंदर हम जब भी कोई टेक्स्ट डालेंगे तो हमें इन्वर्टेड कॉमा यूज करना होगा, नंबर डालेंगे तो जरूरी नहीं है, डाल भी सकते हो बट नॉट जरूरी नहीं है इसकी, राइट? ओके, हमने फाइल को ओपन कर लिया तो हम फाइल को जनरली सेव भी तो करेंगे क्योंकि ये तो सेव एज हो गया। तो सेव करने के दो तरीके देखिए, अब यहाँ पे आप दो मेथड है कि आप इस मेथड का यूज करें
या एक्टिव वर्कबुक का यूज करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर। अगर आपको फाइल नेम पता है तो डायरेक्ट यहाँ पे सेव कर दीजिए। So where will use active workbook? Active workbook is to be active workbook हम उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जब हमें फाइल नेम नहीं पता होगा या फाइल नेम हमारा फिक्स नहीं है लेकिन वो फाइल हमारा एक्टिवेट है, उसी पे काम चल रहा है। अच्छा, जिस पे हम काम कर रहे हैं। okay. हाँ, जो काम कर रहे हैं। कभी भी होता है ना कि बहुत सारे फाइलों पे काम करते हैं, उसमें फाइल नेम क्या है, मान लीजिए समझ लीजिए ना हमने वर्कबुक ऐड किया तो फिक्स तो रही है कि कौन सा फाइल ऐड होगा, बुक वन, बुक टू, बुक फाइव, कुछ भी हो सकता है। ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए आप एक फोल्डर से 10 फाइलें हैं, वन बाय वन फाइलें ओपन कर रहे हैं किसी ओपन करने वाले प्रोग्राम से, तो कौन सी फाइल ओपन हुई है ये तो पता नहीं चलेगा, बट जो ओपन हुई है वो तो एक्टिवेट रहेगी। क्या अगर हम यहां से किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वही फाइल एक्टिवेट होगी ना, तो एक्टिव वर्कबुक यूज कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। अब हम बात करते हैं कि हम फाइल को क्लोज करें, तो फाइल को क्लोज करने के लिए भी हम एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज और यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं या फिर ए भी दे सकते हैं। तो मैं हर जगह पे ये दोनों चीज यूज, दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये दोनों यूज किया जा सकता है, बट दोनों का सिचुएशन आपके कोड के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। कि आप इस फीचर को यूज करें, इस फीचर की यूज करते हैं तो फाइल नेम अपने हिसाब से रखिएगा जो फाइल नेम है यहाँ पे, और नहीं तो एक्टिव वर्कबुक तो इसका एक ही कंडीशन है कि सिस्टम में फाइल एक्टिवेट होनी चाहिए। अब लास्ट में हमने ट्रू दिया, क्यों? तो जब भी हम किसी फाइल को क्लोज करते हैं तो आपसे पूछता है डू वांट टू सेव, अगर सेव पे क्लिक करना है तो ट्रू, डोंट सेव पे क्लिक करना है तो फॉल्स, इसलिए यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दिया। आप ऐसा नहीं देते हो क्योंकि आप देखेंगे ये यहाँ पे जो है ऑप्शनल है, देना जरूरी नहीं है, अगर नहीं देंगे तो फिर माइक्रो को ही पे पॉज कर देगा और आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आप कंफर्म करेंगे तब इससे नीचे के कोड को आगे बढ़ाएगा, तो इसका ध्यान आप हमेशा रखेंगे। तो हमने फाइल को क्लोज कर लिया, राइट। तो हमने फाइल को ऐड किया, हमने फाइल को सेव किया, हमने फाइल को सेव एज किया, हमने ओपन किए एंड क्लोज कर लिया। तो जनरली हम फाइल के साथ इतना ही करते हैं ना। हाँ, पासवर्ड भी लगा, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्टिव वर्क बुक डॉट प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट में मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। तो ये प्रोटेक्शन कौन सी हुई, फाइल ओपनिंग प्रोटेक्शन नहीं हुई, ए प्रोटेक्शन हुई आपके रिव्यू टैब के अंदर में, प्रोटेक्ट वाले में आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है ना, जिससे फाइल का जो रिनेम करना, ऐड करना, डिलीट करना प्रोटेक्ट होता है। सर, लेकिन आप चाहते हैं कि फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डाले तो आप इसमें दे सकते हैं यहां पे कि डॉट पासवर्ड इक्वल टू। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मैंने यहां पे प्रोटेक्ट के बाद स्पेस लगाया, यहां पे नहीं, इससे ऊपर कहीं भी हमने इक्वल साइन नहीं लगाया, यहां पे इक्वल साइन क्यों लगाया और हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें यहां पे इक्वल साइन लगाना है। क्या सर? तो यहां पे एक चीज समझ जाइए कि आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, मतलब जो इवेंट होते हैं या मेंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है आपका मेथड। तो ये जो ओपन है, सेव है, क्लोज है, ये मेथड है और यहां पासवर्ड प्रॉपर्टीज है। हाउ कैन आइडेंटिफाई?
लगाने के बाद जैसे ही स्पेस मारते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाता है, इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टीज है, सॉरी मेथड है, और स्पेस ना देते ही ये आपका प्रॉपर्टीज कहलाता है। दूसरा है कि जब इसको अप्लाई करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो बॉक्स सिस्टम है, अगर ग्रीन ग्रीन कलर का बॉक्स है इसका मतलब है एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो ग्रीन कलर के अगर बॉक्स, ग्रीन कलर का जो रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर आता है आपका, इसका मतलब है कि आपका जो ए है ये आपका मेथड है, और मेथड में हमेशा इक्वल साइन नहीं लगता है, स्पेस लगता है, और जिस पे ये हैंड का निशान बन के आएगा इस तरह का, ये हैंड का निशान बन के आया इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज और मेथड समझ में आ गया आपको? करण जी सर मैं ड्रॉप हो गया था, ओ आपके इंटरनेट स्पीड कम गया था सर, यहाँ पे यहाँ पे आप ज्वाइन बता रहे थे। चलिए तो मैं समझा रहा था कि फाइल को यहाँ पे जब भी हम देते हैं तो स्पेस लगाते हैं, तो ये जो आपका एक्शन होता है या इसको मेंबर भी बोलते हैं, ये आपका दो तरह का होता है, एक होता है मेथड, दूसरा होता है प्रॉपर्टीज। मेथड में उसकी डिटेल्स डालने के लिए हमेशा स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, और प्रॉपर्टी भी डिटेल्स डालने के लिए इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई करने का दो तरीका है, एक तो आप स्पेस कीजिए तो आ जाता है नीचे एक्सप्रेशन, इसमें एक्सप्रेशन नहीं आता है। दूसरा लगाते समय जैसे जो मेथड जो प्रॉपर्टीज होगा उसमें इस तरह का हैंड का निशान आएगा, और जो ए होगा मेथड होगा उसमें इस तरह का ग्रीन बॉक्स का सिंबल आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टीज भी दो तरह का होता है, एक गिवर, एक रिसीवर, एक गिवर। ठीक है, जैसे कि ये पासवर्ड जो है ये जस्ट रिसीवर है, ये पासवर्ड वापस नहीं देगा, लेकिन मुझे चाहिए इस एक्टिव वर्कबुक का नाम चाहिए मुझे, तो यहां पे हम देंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट मेल। अब ये कोड रन होगा तो एरर देगा, क्योंकि तो ये तो गिवर है ना, जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन एक रिसीवर तो चाहिए कि किसको इंफॉर्मेशन देगा। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए दो चीजें हैं, एक तो आप एमएसजी बॉक्स मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो एक वेरिएबल ले लीजिए ऐसे एक्स वाई जेड जो कुछ होता है, या किसी रेंज पे दिलवा दीजिए, तो एक रिसीवर होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज में हमेशा इक्वल तो होता ही होता है। ऐसे ही मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देता हूं कि एक्टिव वर्क बुक डॉट पाथ, पाथ देगा, एक्टिव वर्क बुक डॉट एक्टिव सीट दे देगा आपको कि कितने एक्टिव सीट कितने हैं, एप्लीकेशन ये सारी चीजें इसी पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी और आपके मेथड है, तो आप अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे फुल पाथ मैंने दे दिया आपने, ये आपका फुल पाथ हो गया। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि जब एक्टिव वर्कबुक या किसी भी कोड को किसी भी रेंज पे हम दबाते हैं तो ये बहुत सारे एक्सप्रेशन आते हैं, इसके बारे में एक मुझे थ्योरिकल नोट मिल जाता तो सही रहता क्या? तो इसकी नोट के लिए आपको कोई बुक या कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने खुद आपको दिया। तो पहले बताइए आपके पास एक्सेल एप्लीकेशन कौन सा है, 7 है या 13 है या 16 या 19 है या 365 है?
P65। ओके श्रीनिवास जी आपके पास? मेरे पास ये तो एक्सेल 365 ऑफिस। चलिए तो कुछ नहीं करना है, आपका जो वीवी कोड वाली विंडो है ना, उस विंडो पे आपकी क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिखेगा, इसका शॉर्टकट F1 भी होता है, उस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही इंटरनेट का आपका जो ब्राउजर है, जो डिफॉल्ट ब्राउजर है, वो ओपन होगा। ओपन हुआ, इसमें आप देखिए एक्सेल वीवीए रेफरेंस, एक्सेल वीवीए रेफरेंस पे आइए, उसके बाद यहां दिखेगा ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस। अब यहां यहां पे थोड़ा सा दिया गया है, लेकिन यहां नीचे देखिए यहां पे पूरा ऑब्जेक्ट जो भी हम लिखते हैं, हमारा मेन तो चार ही है, लेकिन ये सब से सब सब ऑब्जेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे फॉन्ट लीजिए तो फॉन्ट हमेशा रेंज में ही लगता है कि रेंज डॉट फॉन्ट डॉट लगता है, तो ये सारी चीजें। तो इसमें आपका मेन ऑब्जेक्ट भी आएगा और नीचे आएगा क्योंकि अल्फाबेटिक है W से, तो ये आपके वर्क बुक ऑब्जेक्ट है, एक आपका वर्क बुक्स ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही लिखा रहा था, वर्क बुक्स ही है लेकिन यहाँ पे अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया है। इस पर क्लिक कीजिएगा वर्क बुक ऑब्जेक्ट पे, इसके इवेंट मेथड एंड प्रॉपर्टीज तीनों दिख रहे हैं आपको, तो एक कैसे अप्लाई होता है, एक सब एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, और इसके इवेंट कौन कौन से हैं, मेथड कौन कौन से हैं, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, पूरा लिस्ट दिया हुआ है, राइट? अब यहाँ पे आपको अगर देखना है तो पहले चीज समझ लीजिए कि नॉर्मल एक्सेल में क्या इसको जानते हैं, इवेंट को फिलहाल छोड़ दीजिएगा, ये इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में समझाऊंगा मैं, मेथड को लीजिए। तो आप पहले देख लीजिए कि आप नॉर्मल एक्सेल में क्या क्या जानते हैं, क्या आप नॉर्मल एक्सेल में ऑल एक्सेप्ट ऑल चेंजेस के बारे में पता है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। हाँ क्लोज के बारे में पता है, क्लोज क्या होता है ये हमें पता है, उसके अलावा यहाँ पे प्रिंट आउट क्या होता है ये हमें पता है, न्यू विंडो क्या होता है ये हमें पता है, तो जो जो पता है ना सर, सेव क्या होता है, सेवेज क्या होता है, सेंड मेल क्या होता है, सेंड मेलर क्या होता है, ये अगर पता है तो उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के साथ ही आपका एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे पूरा है। अब यहाँ पे आपका वर्कबुक का हुआ वर्कबुक से एक्सप्रेशन, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट सेव है, और यहाँ पे इसके मेंबर है, डिटेल्स है जो हम डालते हैं, और वो डिटेल्स कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा अवेलेबल है, क्या क्या डालते हैं, जैसे फाइल फॉर्मेट क्या होता है, ये फाइल फॉर्मेट में ले जाएगा, ये इतने फाइल फॉर्मेट होते हैं जो कि एक्सेल सपोर्ट करता है, ये चीजें ले जाएगा, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें सीट्स के भी है, इसमें रेंज के भी है, टाइम मिले तो उन सबको देखना। फिलहाल मैं जो है ये लिंक डायरेक्ट लिंक आपको भेज देता हूँ ताकि आपको उतना ये ना करना पड़े, और मैंने यहां पे भी इसको भी दे दिया, दोनों आदमी को मैंने लिंक भेज दिया है। तो पहले आप इस लिंक को एक बार स्टडी कर लीजिए, ठीक है, और ये जो कोड मैंने समझाया है इसको रन कीजिएगा 1 by 1, राइट सर, रन बाय रन करो, एक 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 मैक्रो में एक ही लाइन लिखिएगा, उसके बाद उसका देखिए क्या करता है। मुझे कहीं चाहिए, जैसे मुझे मैसेज बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है तो MSG बॉक्स और यहाँ पे XYZ जो डालना चाहते डाल दीजिए, वो वैल्यू यहाँ X डाल दिया तो X की वैल्यू को यहाँ रिप्रेजेंट कर देगा। ओके आपने देखा होगा कि डिफाइन किया जाता है कि dim x as a string, इस तरह से डिफाइन किया जाता है, लेकिन बगैर डिफाइन के भी यहाँ एक्सेल में ले लेता है डिफाइन कुछ केसेस पे, हाँ डायरेक्ट कुछ केसेस पे करना होता है, तो ये आपके एक या दो क्लास बाद में इसको समझाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, फिलहाल इसको आप यूज कीजिए, ठीक है करण जी।
आज थोड़ा छोटा क्लास ले रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, तो स्टडी कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है।